हसीन एंड वेलकम बैक टू इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, हमारी जो वीडियोस जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जो मैं आप लोगों को रिकमेंडेशन दे रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ही सक्सेसफुल जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों को आरती इंडस्ट्री दिया था 942 रुपीज़ पे और बताया था कि मैं 3 दिन से लगातार ये स्टॉक दे रहा हूँ, ये ब्रेकआउट दे सकता है, कंसोलिडेट कर रहा है, और आज का उसका हाई था 1070 रुपीज़ का। इसके अलावा हम लोगों ने आपको DCW प्रोवाइड करवाया था आज इंस्टाग्राम पे भी, टेलीग्राम पे भी 55 रुपीज़ पे, एंड उसका हाई था 64 रुपीज़ का। इसके अलावा हम लोगों ने आपको लक्ष्मी मशीन दिया था 4300 रुपीज़ पे और एग्जैक्ट 15 मिनट बाद उसका हाई था 4500 का। सो गाइस, हमारी रिकमेंडेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है, हम लोग बहुत अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं, एंड आप लोगों की मदद भी हम लोगों को मिल रही है हर पर्टिकुलर स्टॉक पे, जो आप लोग अपने स्क्रीनशॉट्स हमें शेयर करते रहते हैं, अपनी रिसर्च हमें शेयर करते रहते हैं। सो गाइस, हमारी जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है, और लेट्स सी कि और कंटिन्यू करते हैं इस जर्नी को और देखते हैं कि आगे भी इसी तरीके से सक्सेसफुल हमारी जर्नी रहे। सो चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने ट्रेडिंग सेटअप पे और बात करते हैं आज ऐसे 3 स्टॉक्स की जिसमें हम लोग कल पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी में करना क्या है, प्लस एक इंपॉर्टेंट बात, मैं आज 9:30 बजे इंस्टाग्राम पे लाइव आ रहा हूँ, तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगी 8:30, तो अगर आप लोग वीडियो देख ले तो 9:30 इंस्टाग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाना। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ पे मैं लाइव आऊँगा, वहाँ पर आपके स्टॉक्स की क्वेरीज का आंसर दिया जाएगा, अक्टूबर मंथ कैसा लग रहा है सारी बातें करी जाएंगी। तो चलते हैं पहले ट्रेडिंग सेटअप पे और अपने स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। गाइस, हम लोग अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है BEPL। अब देखिए गाइस, जो मैं आज आप लोगों को स्टॉक्स बता रहा हूँ वो एक्चुअल उनके जो साइकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, एंड थोड़े बहुत स्टॉक्स जो मैं आप लोगों को 3 बताने वाला हूँ ना, ये डेफिनेटली ऑल टाइम हाई पे है, तो ऑल टाइम हाई का जो ब्रेकआउट देते हैं ना वो मुझे स्टॉक्स और ज़्यादा पसंद आते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं, मैंने अपना फेस इधर लेकर आ चुका हूँ, तो आप लोगों को टाइम फ्रेम भी देखने को मिल जाएगा एंड स्टॉक का नाम भी देखने को। तो चलिए थोड़ा सा आज मैं जल्दी एक्सप्लेन करूंगा, तो मैंने ऑलरेडी सारे कुछ ड्रॉ करके रखा है। सबसे पहले आप ये ऊपर वाली लाइन देख रहे होंगे, ये ऊपर वाली लाइन एक सप्लाई जोन है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं 2018 पे एक फॉल आया था, एक पुल बैक लिया, दोबारा एक शार्प फॉल आया, तो ऑलमोस्ट 200 रुपये के लेवल से ही गिर के 2800 रुपये आ गया था, ठीक है, ऑलमोस्ट 90% का करेक्शन था। तो यानी ये जो रेजिस्टेंस है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब आप देखेंगे एक पैटर्न यहाँ पर डेवलप हो रहा है, लेट मी शो यू। तो यस, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, क्लियरली यहाँ पर आपको दिख गया होगा, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और इसके ब्रेकआउट लेवल पे ये एग्जैक्टली आ चुका है, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। इसने एक बार और रीटेस्ट करा और नीचे आया और यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना के ऊपर जा रहा है। आई थिंक ये स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़िया है, आप इस पर एक इन्वेस्ट करके चल सकते हो, एंड पर्सनली मुझे लगता है इसका ब्रेकआउट विद इन अ डे और 2 आ सकता है और ये बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखा सकता है। अब बात करते हैं शिवान सर, इसका टारगेट क्या है? तो देखिए, मेरे हिसाब से मिनिमम जो टारगेट है, मिनिमम टारगेट दैट शुड बी 250 रुपीज़ का, जो मुझे लगता है बहुत इजीली ये स्टॉक दे सकता है, तो इसको वॉचलिस्ट के अंदर जरूर मेंटेन करेगा। इसके अलावा अगर मैं इसको भी हटा देता हूँ एंड हम लोग एक बार डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, सो डेली टाइम फ्रेम पे भी आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि एक राइजिंग चैनल के अंदर स्टॉक काम कर रहा है एंड कंटिन्यूस बेसिस पे एक हायर हाइज एंड हायर लोज मेंटेन कर रहा है। सो इसके जो टारगेट्स हैं बहुत अच्छे खासे ऊपर है और बढ़िया टारगेट्स दिखा सकता है। अभी करंट प्राइस इसका 210 रुपीज़ का, मेरे हिसाब से अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ना स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप होगा, क्यों? क्योंकि हो सकता है ये एक बार नीचे आए और इस लेवल को रीटेस्ट करे। लेट मी शो यू द लेवल, ये वाला लेवल है जो कि 190-195 रुपीज़ के आसपास है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर अगर ये डिप देगा तो ही हम लोग बाय करेंगे, ये गलती बिल्कुल भी मत करें। आपको क्या करना है, इसी करंट लेवल्स पे आप लोगों को थोड़ी क्वांटिटीज ऐड ऑन कर देनी है, और अगर ब्रेकआउट के ऊपर 2 दिन सस्टेन कर ले तो क्वांटिटीज और ऐड ऑन कर ले लिया। अब तीसरा ऐड ऑन आपको तभी करना होगा जब ये डिप देने आए और इस लेवल पे आए, जो कि चांसेस कम है, चांसेस इसके कम है, बट अगर बाय चांस आता है फ्यूचर पे तो यहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस समझ के एग्जिट नहीं करना है, यहाँ पर आपको बाय करना है। और मिनिमम मैं आपको बोलूंगा आप अपना स्टॉप लॉस 180 रुपीज़ का रख के चलिए, बाय ऑन डिप्स करिए स्टॉक के अंदर, और डेफिनेटली 250 का तो मिनिमम टारगेट है, और अगर इसे अपने हाई ब्रेक करा तो मैं आपको कह सकता हूँ ये 300-350 आने वाले 6-7 महीने के अंदर भी इजिली जा सकता है। तो स्टॉक अपनी वॉचलिस्ट के अंदर जरूर ऐड करेगा, ये कल मेरे लिए बाय रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। सो गाइस, मेरा दूसरा स्टॉक है DCAL। DCAL पे ये मैंने अभी मंथली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो आपको समझाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं ये टॉप है इसका,
382 रुपीज़ का। यहाँ से एक बार नीचे आया, ऊपर गया, पुल बैक लिया, अगेन नीचे आया, अगेन पुल बैक लिया, अगेन नीचे आया। ये आप लोगों को पता चल रहा है कि सिंपल एक डाउन ट्रेंड है। इसके बाद क्या हुआ, स्टॉक दोबारा ऊपर गया, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करा। जब ये नीचे आया तो प्रीवियस लो को ये ब्रेक नहीं करा, मतलब एक हायर लो क्रिएट करा, दोबारा ऊपर गया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, यानी कि एक हायर हाई बना। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं एक हायर हाई एंड एक हायर लो बन रहा है और वो भी स्टार्ट हो चुका है, तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है बाय करने की। अभी ऊपर गया, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करा, अब हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा अगर जब ये पुल बैक लेके ऊपर जाने की कोशिश करे। एग्जैक्टली ऊपर गया, नीचे आया और दोबारा ऊपर गया, इसका मतलब यही है कि इसने एक अपनी रैली को कंटिन्यू कर दिया है। स्टॉक का नाम है डीकेएल, अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ऊपर गया, हल्का सा रिट्रेसमेंट नया है, हल्का सा रिट्रेसमेंट एंड दोबारा ऊपर जा रहा है। तो यानी कि इस रैली पे अब हमें अपना पार्टिसिपेशन करना चाहिए। अब बात कर सकते हैं कि कहां तक टारगेट है। तो देखिए, जब भी हम लोग पुल बैक्स या रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करते हैं तो हम लोग जनरली यूज करते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन। तो ये रहा लो, ये रहा हमारा टॉप और हमारा बॉटम दोबारा कनेक्ट। तो यानी कि अगर मैं बात करूं, ये जो शार्प अपमूव आई और ये जो फॉल आया, इसका जो अपमूव है, इसकी जो रैली है वो ऑलमोस्ट कंटिन्यू हो सकती है, जो ये लेवल दिख रहे हैं ना 1.618 इस लेवल तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा ना जोन क्रिएट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आई थिंक ये एक छोटा सा जोन रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये मेरा टारगेट है किसका, जो ये वाली पुल बैक देके ऊपर गया है। अब ये वाली जो रैली देके रिट्रेसमेंट देके ऊपर जा रहा है, इसका भी तो टारगेट हमें फाइंड करना है। चलिए इसका भी टारगेट फाइंड करते हैं। सेम तरीका है फिबोनाची एक्सटेंशन का, बॉटम टॉप एंड अगेन बॉटम। तो जब मैं ये दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है एग्जैक्टली 1.618 भी इसी लेवल पे आ रहा है। आप देख रहे हैं इसी जोन पे आ रहा है, यानी कि जो ये दोनों रैलीज हो रही है, जो हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं, एग्जैक्टली इसका जो सेम टारगेट आ रहा है वो निकल के आ रहा है इस जोन के आसपास। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं अगर 238 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है तो 300 रुपए से 320 रुपए का मिनिमम टारगेट ये आने वाले महीने में दे सकता है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कितने टाइम ये हॉल्ट करा और फाइनली जब इसका ब्रेकडाउन दिया और पुल बैक देके रीटेस्ट कर एक शार्प फॉल आई है, तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। तो आप देख रहे हैं साइकोलॉजी आपको किस तरीके से वर्क कर रही है, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से टारगेट देखने को मिल गया है। इसके अलावा छोटी सी बात और करता हूं मैं आप लोगों के सामने, एक सिमिलर पैटर्न यहाँ पर और क्रिएट हो रहा है। लेट मी शो यू, ये देख रहे हैं ये शोल्डर है, ये हेड है और ये शोल्डर है, उसका ब्रेकआउट दे चुका है, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल रही है। चलिए मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा। आप अगर इधर देखेंगे, ये अपमूव आई, यहां पर दो इसने इंडिसाइसिव कैंडल बनाई एग्जैक्टली टॉप पे, उसके बाद एक ब्रेकडाउन वाली कैंडल आई। ब्रेकडाउन वाली कैंडल आने के बाद ये जो पॉइंट होता है ना, ये हमें पता चलता है कि अब एक रिवर्सल आ सकता है, मतलब ये टॉप बन चुका है। बट एक्चुअल में आप देख रहे हैं ना, ये जो विक थी इसके ऊपर जाके इसने अपनी क्लोजिंग कर दी है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, मंथ अभी स्टार्ट हुआ है, बुलिश मोमेंटम पे आई ये स्टॉक। अगर डिप में आता है तो एक्युमुलेशन करना है और ये स्टॉक बढ़िया रिटर्न दे सकता है। अब बात करते हैं सर डिप कहां तक आ सकती है। देखिए करंट प्राइस है 238, मेरे को लगता है डिप आ सकती है 215-218 के आसपास भी। और ये आने का मकसद ये नहीं है कि आएगा ही आएगा, आपको इसी लेवल पे भी बाय करना है। जैसा मैंने आपको BEPL के बारे में बताया, स्टॉक को होल्ड करिए, बाय ऑन डिप्स करिए, एक साथ बड़ी क्वांटिटी मत उठाइए। और मैं आपको गारंटी देता हूं आने वाले कुछ महीनों में आप मुझे थैंक यू बोलेंगे कि सर आपने बहुत बढ़िया स्टॉक। अब बात करते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट स्टॉक की। सो हमारा थर्ड स्टॉक है TCS। अब TCS में ना एक खास बात और हुई है, और वो बहुत बार अगर होता है ना तो जनरली हम लोगों को लगता है कि अब एग्जिट का टाइम आ गया, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मैं TCS के साथ ना आपको IT सेक्टर का एक बार इंडेक्स भी दिखाऊंगा, तो उससे आपको और ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। और गाइस ये डेफिनेटली जो मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बताने वाला ना कैंडलस्टिक का, इसको याद रखिएगा, ये आप लोगों के लिए काम पे डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, और इसके अलावा गाइस मैंने दो स्टॉक्स दिए थे टेलीग्राम चैनल पे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा तो जाके जरूर ज्वाइन करो, आज 20% तक ऊपर गया जो स्टॉक मैंने आप लोगों को रिकमेंड करा। इसके अलावा मैं 9:30 बजे लाइव आने वाला हूँ इंस्टाग्राम पे, आपके स्टॉक्स की क्वेरीज का आंसर दूंगा। एक मल्टीबैगर स्टॉक बताने वाला हूं जो 15 रुपए में ट्रेड कर रहा है और वहां से मल्टीपल रिटर्न्स दे सकता है, तो प्लीज आप ज्वाइन जरूर कर लेना 9:30 बजे। तो आप देख सकते हैं सिंपल चीज मैं अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, बट एक्चुअल जो मुझे चीज दिखानी है वो मंथली टाइम फ्रेम पे है। सिंपल चीज क्या है, देख सकते हैं ये रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, इस रेंज का ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, बस इतना हम लोगों को इस पे देखना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक फॉल आया, फॉल आने के बाद इसने एक बेस क्रिएट करा और ड्रॉप, बेस और एक रैली। तो मिनिमम टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 3900 रुपीज के आसपास कर रहा हूँ, जो कि अभी इस करेंट लेवल से भी 70 पॉइंट्स ऊपर है। तो मेरे हिसाब से मिनिमम जो टारगेट है दैट शुड बी 38
800 टू 90 3900, इस 10 रुपए की रेंज के आसपास है। अब जो मुझे दिखाना है वो एक्चुअल में आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम पे मिलेगा, तो मैं इसको हटा देता हूं। लेट्स मूव टू मंथली टाइम फ्रेम। अब देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे जब मैं आया तो आप लोगों के माइंड में आ रही होगी यार स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई पे इतनी बड़ी कैंडल बनी। और मंथली टाइम फ्रेम पे ना आप लोगों के माइंडसेट पे क्या होता है और कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे क्या होता है कि आपने देखा कि यार कुछ इस तरीके की एक बुलिश कैंडल बनती है और ऊपर कुछ ऐसी वाली कैंडल बन जाए। अगर ऐसी कैंडल बन जाती है तो आपके माइंड में आता है यार मंथली चार्ट पे अगर ऐसी कैंडल बनी है, एक इंडिसाइसिव डोजी कैंडल बनी है, तो यानी कि वो एक रिवर्सल का साइन होता है और हम लोग शॉर्ट करते हैं। बट आपको वेट करना होता है। आप अगर देखोगे सबसे बढ़िया पैटर्न जो मुझे लगता है एक्चुअल में मैंने मंथली टाइम फ्रेम से जो भी मैं स्विंग ट्रेड फाइंड करता हूँ और जिसमें मैंने मल्टीपल बैगर्स रिटर्न कमाया है गाइस डेफिनेटली, और जिसमें 30-40% रिटर्न इजिली मिलते हैं, वो ये पैटर्न होता है। जब ये कैंडल बन जाए ना, ये वाली कैंडल, आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। और ये मंथली और वीकली कैंडल अगर टॉप पे बने या बॉटम पे ना तो ही ज्यादा फन आता है, अगर इन बिटवीन बनता है तो कोई फायदा नहीं होता। देख सकते हैं एग्जैक्ट टॉप पे बना है जो ये वाली कैंडल है ना, पूरा ध्यान से समझेगा, ये वाली जो कैंडल इंडिसाइसिव डूजी बनी है, इसका बॉटम ले लो, ये बॉटम है इसका, ठीक है, ये मैंने बॉटम ले लिया। इस बॉटम से 0.05% अगर मैं लूं, मैं मान के चलता हूं यहां पर अगर मैं अपना स्टॉप लॉस रखूं तो 0.05% हुआ ऑलमोस्ट ये लेवल, ठीक है। मैं यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। सो यहां पर आपको क्या करना होता है, ये एक कैंडल बन गई, एक इंडिसाइसिव कैंडल बन गई। अब डिसीजन मेकिंग कैंडल तो हमें वेट करना है ना, तो हम क्या करते हैं, ये जो कैंडल का लो है एग्जैक्टली इस लो पे हम लोग अपना एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसके अलावा जो 0.50% पे हम लोग अपनी एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं। अगर इसके नीचे अगली कैंडल क्लोज कर जाती है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है अगली कैंडल, वो तो ऑफकोर्स बियरिश कैंडल होगी, अगर देखने को मिलती है तो वहां पर हमारे लिए एक सेल जनरेट हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं होता मंथली और वीकली में, टॉप की बात करो, जब स्टॉक एक टॉप पे ट्रेड कर रहा तो हम लोग देखते हैं कि क्या इसी पे लो बना है। आप देख रहे हैं ना ये मंथली कैंडल है, जो अब मंथ स्टार्ट हुआ उसका लो देखो क्या है, इसका लो एग्जैक्टली सेम है। अब आप देख रहे हो डबल बॉटम क्रिएट हुआ है, डबल बॉटम क्रिएट हुआ है, वो भी मंथली टाइम फ्रेम पे, दो कैंडल का डबल बॉटम सेम है और यहीं से स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब आप देखोगे जब ये वाली कैंडल बने तो अब आपका स्टॉप लॉस तो क्या होना चाहिए, अब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इस कैंडल का, ये वाली जो लाइन दिख रही है इसके थोड़ा सा नीचे, और अब आपको वेट करना है जो प्रीवियस हाई है ना इसके ऊपर भी मार्केट जाने वाली है, इसके ऊपर मार्केट जाएगी और इसका ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और ये करंट टाइम है बाय करने का, ठीक है। अब ये डोजी नहीं बनाएगा ना, अभी एक बियरिश कैंडल बनाएगा। अब यहां पर जब इसने डबल बॉटम क्रिएट कर दिया और ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया तो यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक को बाय करने की। अब इसको प्रूफ करने के लिए बैक टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी, तो मैं बैक टेस्टिंग करता हूं निफ्टी आईटी सेक्टर के इंडेक्स पे, तो मैं ओपन कर लेता हूं सीएनएक्स आईटी। जब मैं आईटी का सेक्टर ओपन कर रहा हूं तो देखिए यहां तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ये तो अभी बन रहा है, पर थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, ये आईटी का लो था जो कि था 11,700 रुपए का और ये आईटी का टॉप था 27,000 रुपए, मतलब 100% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका था ये शार्प अपमूव आई थी, ये शार्प अपमूव में 100% का रिटर्न दे चुका था, ठीक है। अब रिटर्न चलिए मैं ना एक अच्छी चीज आप लोगों के लिए करता हूं कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ही ना हो बिल्कुल भी। हाँ गाइस मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम ये डेफिनेटली लेगा, बट आप लोगों के लिए लर्निंग है ये, ठीक है, जो आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ओके, सो अब आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ गई है यहां पे, अब आपको एक चीज समझ में आ गई, ये शार्प अपमूव आप देख रहे हैं, ये इसका टॉप है, ये एग्जैक्टली इसका क्या है, टॉप है। ये टॉप पे आने के बाद आप देख रहे हैं ये वाली कैंडल क्रिएट हुई, ये तो एक बियरिश हैमर कैंडल क्रिएट हुई है, यानी कि अब तो एक सेलिंग आनी ही आनी है, बट एक्चुअल में क्या ऐसा हुआ, नहीं सेलिंग नहीं है। इसका लो भी इसने ब्रेक नहीं करा, दूसरी वाली कैंडल ने भी इसका लो ब्रेक नहीं करा और एक कंटिन्यू रैली स्टार्ट होती रही होती रही होती रही, और जैसे ही इसने अपनी इस वाली कैंडल का टॉप ब्रेक करा, आप देख रहे हैं जैसे इसका टॉप ब्रेक हुआ एक नई रैली दोबारा स्टार्ट हो गई और वहां से ये 27,000 से ऑलमोस्ट 38,000 10,000 रुपए की मूवमेंट और दे चुका है। तो गाइस आईटी के सेक्टर अगर आपको परफॉर्मेंस दे रहा है और जो पैटर्न को क्लेरिफाई कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, मैं आपको मुझे 100% श्योरिटी है कि टीसीएस आपको 4,000-4,500 रुपए का लेवल एक साल के अंदर दिखा सकती है। तो गाइस ये मेरे 3 स्टॉक्स थे जो बाय ऑन डिप्स के लिए और डेफिनेटली आपको बेटर रिटर्न दे सकती है।
अब ये आपके ऊपर है कि अब आप इस पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज पे ऐड ऑन करिए या ना करिए, बट मेरे स्टॉक्स आप लोगों को बेटर रिटर्न दे रहे हैं। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखने को मिला है, और जो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे कल बताया था, मैंने कल आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे एक मैसेज लिखा था, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैन मेक न्यू हाइस और कैन इट रीच इट्स प्रीवियस हाई बिफोर दिस वीकली एक्सपायरी। अभी भी दो दिन है एक्सपायरी को एंड होने में, और आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लोज आ चुकी है निफ्टी अपने प्रीवियस हाई के आसपास। और मैं गारंटी, और जिस तरीके से मुझे स्ट्रक्चर लग रहा है और ओपन इंटरेस्ट का डाटा अभी देखने को मिल रहा है, वो मुझे लग रहा है कि प्रीवियस हाई को भी शायद वो ब्रेक कर सकती है। क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, कैसे साइकोलॉजी वर्क कर रही है, वो सारी चीज बताता हूं मैं इस वीडियो के अंदर, तो चलिए बने रहिए। तो मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, एंड क्लियरली ये तो हमारी एनालिसिस ऑलरेडी डन है, तो मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस पे बताते आ रहा हूं। सो हम लोगों ने बात करी थी, ये आप देख रहे हैं ना ब्लू कलर की लाइन, जिसने एक हेडिंग शोल्डर पैटर्न बनाया और इसका एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ये जोन ब्रेक होगा तब हमारे लिए एक बाइंग जनरेट हो सकती है। करंट प्राइस जो ये वाला ये जोन देख रहे हैं ना, हमने बोला था इस जोन के ऊपर हमें बाय करना है, ये जो लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज हमारे लिए बाय यहाँ पर जनरेट नहीं होता। ऊपर गया, एक सेलिंग प्रेशर आया, इधर मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी थी, ठीक है आप लोगों को पता होगा क्योंकि मैं तबीयत खराब थी, बट दोबारा ऊपर गया और इस लेवल पर क्लोज कर दी। दिस इज द प्रीवियस हाई जो कि 17,940 रुपीज का, जो कि मुझे लगता है बहुत इजिली आ सकता है। सो अगर कल डिप आती है आपको उस डिप में बाय करना है, इसके अलावा वो डिप आप लोगों को बिफोर एक्सपायरी या विद इन एक्सपायरी के अंदर अंदर आप लोगों को प्रीवियस हाई तक लेकर जा सकती है। अब छोटी बात आती है कि सर हम लोग कॉल बाय करके रख सकते हैं। देखिए एक चीज आपको समझनी है, मार्केट क्या कर रही है, एक छोटी सी अपमूव देने के बाद पूरे टाइम कम से कम 6 घंटे मार्केट खुल रही है, तो 6 घंटे में से 3-4 घंटे तक तो ये रेंज के अंदर बनी हुई है। रेंज के अंदर क्लोज देने के बाद ही वो एक ब्रेकआउट दे रही है एंड में, तो अगर आप लोग कॉल बाय करेंगे तो मेरे हिसाब से प्रीमियम इतना डिके हो जाएगा, और जब एक रैली देगा तो वो ज्यादा प्रॉफिट आपको दे नहीं पाएगा। सो मेरे हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अगर कल एक डाउनफॉल आता है तो उस डाउनफॉल पे एक 15 मिनट के कोई भी बुलिश कैंडल बने ना, तो वहां पर आपको उसके 50 पॉइंट नीचे की स्ट्राइक प्राइस का आपको अपना पुट शॉर्ट कर देना है। पुट शॉर्ट करके आप लोग होल्ड करे बैठो, अगर साइडवेज भी जाए या नया हाई क्रिएट करे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, अदरवाइज आप लोग एक पुट शॉर्ट कर सकते हो और एक कॉल बाय कर सकते हो। ये आप लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल स्ट्रैटेजी रह सकती है, और कॉल भी मेरे हिसाब से ना ज्यादा ऊपर की बाय मत करना, एट द मनी प्राइस के या 50 रुपए ऊपर की स्ट्राइक प्राइस का ही कॉल बाय करना। ये थे हमारी बैंक निफ्टी के एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी के एनालिसिस चेक करते हैं। बैंक निफ्टी के एनालिसिस भी बिल्कुल सेम थी, हम लोगों ने बोला था इस जोन के ऊपर, इस रेड लाइन के ऊपर जाएगा तो हमें बाय करना है। ये हमारा प्रीवियस टारगेट है, मैं आप लोगों को थोड़ा और दिखा देता हूँ। ये हमारा टारगेट है जो मेनली आ सकता है, आज नहीं आया बट ऊपर ही क्लोज करा है, बट डेफिनेटली आ सकता है। सो अब आपको क्या करना है, इस पे भी सेम स्ट्रैटेजी है, अगर ये डिप दे इस डिप में इसको एक्यूमुलेट करना है, सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, नीचे की पुट को शॉर्ट कर देना है, मतलब सेम एट द मनी या 50 रुपए, इस पे तो आप 100 रुपए नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस को पुट को शॉर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा कॉल भी साथ में बाय कर सकते हैं, तो आपका एक सिस्टम तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये दोनों अभी के लिए बाय है। चार्ट्स पे ज्यादा कुछ शो करने के लिए नहीं है, ओपन इंटरेस्ट है जो बढ़िया लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसको एक बार चेक करते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। सो मैंने निफ्टी का डाटा ओपन कर लिया है, एंड क्लियरली आप लोगों को ये चीज से तो पता चल गया होगा कि मार्केट का क्या सिनेरियो है, क्योंकि आज मैं ना मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट को चेक कर रहा था, मतलब हर मिनट जब भी ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा था मैं पूरी चीजें देख रहा था, तो आज इतनी ज्यादा वॉलेटाइल थी, मतलब सबसे पहले पुट राइटर्स ऐड हो रहे हैं और कॉल राइटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, अचानक से मैं 5 मिनट बाद देखता हूँ कि कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन हैवी बना लेते हैं, पुट राइटर्स नीचे आ जाते हैं, तो बहुत ज्यादा फाइट चल रही थी, बट इवेंचुअली कॉल राइटर्स ट्रैप हुए और वहां पर एग्जिट हुए। तो ये जो शॉर्ट कवरिंग अभी शुरू अभी आई है ना आखिरी के कुछ घंटे में, वो दोबारा कल कंटिन्यू रह सकती है, तो वो फायदा आपको उठा लेना है। अब आप देखिएगा हाईएस्ट पुट राइटिंग है 17,800 पे और एग्जैक्टली 17,822 पे क्लोजिंग है, तो मेरे हिसाब से अगर कल गैप अप खुलता है तो भी बाय है, गैप डाउन खुलता है तो रिकवरी के लिए देखो और बाय कर लो, इसके अलावा करंट लेवल्स पे भी बाय करना है। हाईएस्ट कॉल राइटिंग है 18,000 पे और हमारा तो टारगेट ही 17,900 का तो मिनिमम ही है और 18,000 तो मान के चल रहे हैं। अब आप देखिएगा 17,700 तक कॉल राइटर्स ने अनवाइंडिंग करी है, यानी कि जिन लोगों ने भी कॉल को शॉर्ट कर रखा था वो लोग एग्जिट करें और वहां पर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, मतलब आप इतना तो मान के चल सकते हो कि 17,700 का लेवल इस एक्सपायरी में ब्रेक नहीं होना। सो कोई भी टिप मिले 17,700 की एक पुट शॉर्ट करके बैठ सकते हो, जब तक कोई एक ऐसा इवेंट नहीं आता जिसकी वजह से मार्केट गैप डाउन खुल जाए या एक गिरावट आ जाए, क्योंकि अभी हमारी मार्केट थोड़ा बहुत यूएस की मार्केट से काम कर रही है, क्योंकि यूएस मार्केट गिर रही है तो हमारी मार्केट वॉलेटाइल हो रही है, तो वहां से थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है, बट अगर हम लोग अपनी मार्केट के हिसाब से चले तो आपको 17,700 के नीचे क्लोजिंग देखने को नहीं मिलने वाली है।
ठीक है। इसके अलावा आप खुद यहां पर देख सकते हैं कि कॉल चेंज नेगेटिव है, मतलब कॉल अनवाइंडिंग सबसे ज्यादा हुई है और पुट ने बहुत ज्यादा हैवी पोजीशन बनाई है, तो यानी कि एक बहुत बढ़िया बेस क्रिएट हो चुका है। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं हाईएस्ट पुट राइटिंग देखने को मिल रही है 37,700 एंड 37,500 पे, करंट प्राइस है 37,750 का, तो यानी कि मेरे हिसाब से 37,700 अगर बाय चांस ब्रेक हो जाए डाउनसाइड में तो 37,500 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है, और अगर डिप आती है तो 37,500 का एक पुट शॉर्ट करके बैठ सकते हो। हाईएस्ट कॉल रेटिंग 39,000 पे, यानी यहाँ से 1300 पॉइंट ऊपर है, तो इसको तो छोड़ देते हैं। कॉल और पुट बिल्कुल सेम है, मतलब ये साइडवेज टू अप ट्रेंड रह सकता है, बट अगर बाय पोजिशन परफेक्टली बनानी है तो वो निफ्टी आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी देकर जा रहा है। सो गाइज, ये थी हमारी एनालिसिस। FII डाटा पे कुछ मेजर चेंज नहीं है, सिंपल जो पहले से ही करते आ रहे हैं वो एग्जैक्टली है, तो वो दिखाने का कोई फायदा नहीं है। टेलीग्राम पे गाइस जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहां पर आपको ऐसे अपडेट्स में दूंगा जो आपको के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा इंस्टाग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, आज मैं अभी खुद एक घंटे बाद लाइव आने वाला हूँ 9:30 बजे, तो वहां पर आप लोगों की स्टॉक्स की क्वेरीज होंगी, अक्टूबर में क्या क्या होने वाला है, एक मल्टीबैगर स्टॉक रिकमेंड होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, तो ज्वाइन करते हैं एंड मिलता हूं आप लोगों से इंस्टाग्राम पे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई होप आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया। अगर आप लोग आखिरी तक देख रहे हैं तो एक लाइक बटन गाइस जरूर दबा देना, एक मिनट भी नहीं लगेगा, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए मैं आधा आधा घंटे की वीडियोस बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, तो प्लीज गाइस एक लाइक बटन जरूर बनता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए मोनेटाइजेशन तक ऑफ कर रखी है, मैं यूट्यूब से अर्निंग तक नहीं ले रहा, सिर्फ आप लोगों के लिए। बाय बाय गाइस, हैव अ गुड डे।